ओम सनह पिते वसुनवे अग्ने सूपायनो भव सचस्वानह स्वस्तये। परमपिता परमेश्वर आमर पिता भड़ी आमको अनेक पदार्थ दे आमर सुरक्षा करिचंती, समग्र सृष्टि को आमको उपहार स्वरूप प्रदान करिचंती एवं ये सृष्टि को प्रयोग करिवा पई वेद रूपक ज्ञान देइचंती, गुरुजन मानंकर मध्य शिक्षा देइचंती। ये समस्तंकर उपयोग करी जीवन को आमे सुस्थ निरामय एवं सुंदर करिबा, जहाँ विपरीत कार्य आम ठारु दूरे जाऊ, जहाँ हित जहाँ शुभंकर ताहा मो निकट को आसु, एतिके प्रभुंक प्रति प्रार्थना एवं निवेदन। बालके मोर बोलकर राज्यरे अध्याय को समस्त श्रोता बंधु मानंकु समस्त दर्शक बंधु मानंकु मु मोर श्रद्धा सम्मान भक्ति निवेदन करुछि। ये सबु आलोचना करिवार मुख्य उद्देश्य होची समाज रे अनेक साधु संत अनेक हितवाणी कहिचंती, पिलाटी बेलु आज पर्यंत आम पूर्वरु जेते लोक गलेणी जो माने परवर्ती क्षेत्र रे आसीबे समस्ते केते भलो कथा कहउचंती। आज्ञा प्रति समय रे किछि ना किछि भलो कथा कहउचंती, सर्वदा सेमानकर इच्छा होची मनुष्यतार जीवन रे को निष्कलंक करू, कौन से दाग न लगाऊ, वस्त्र रे दाग लागिले सांगे सांगे परिष्कार कर दूचे, किंतु देहरे जो दाग लागिले नी हिंसा द्वेष परसिकातरता अन्याय अत्याचार परधन लुंठन जो दाग लागिले नी कभी सफा करिए, देहरे दाग लागिले सांगे सांगे पानी भरी सफा कर दूचंती, वस्त्र रे दाग लागिले सफा कर दूचंती, किंतु देहरी जो विभिन्न प्रकार जो दाग लगिगला परसिकातरता अन्याय ईर्षा द्वेष से दाग कमी छड़े, अरे से ही दाग छड़े प्रकृत दाग ये दागरे कौन अच्छी, तेरे से दाग को छड़ेवाई कौन कर ना जाणी लोक मान निकट को जाओ, बुझी लोक निकट रू बुझ, जो मैंने आगुरी शुणी जाणी से शुण, जो मैंने जाणी जाण, जो माने भल बाटे जाती भल कथा जान जानले कौन हम ना जे जीवन सफलता निश्चित पाए। आम जानते बौद्ध धर्मर प्रतिष्ठाता महात्मा बुद्ध निरंजन नदीकूल तपस्या कर सारापर जो निजे सद्ज्ञान प्राप्त हेले जो सिद्धि प्राप्त हेले सारा जगतर दुख को दूर करने उद्देश्य समस्त लोक मानकर उपकार करने उद्देश्य रे विश्वर अगणित लोक से मानकर दुख जंद्रण मुक्त करने उद्देश्य रे निजे परिव्राजक जीवन जापन करी जो माने तंगा आदर्श रे अनुप्राणित होते से श्रवण भाव रे निज सहित नहीं विभिन्न अंचल परिभ्रमण करुथिले। उद्देश्य होची प्रत्येक लोक को किछि हित उपदेश देबे, विभिन्न स्थान बसुले आगमन जाणी द्वारा लोक मैंने निकट में एकत्रित होते से सुंदर सुंदर उपदेश दूसरे सुंदर उपदेश को शुणा द्वारा अनेक लोकंर मन में उठुवा विभिन्न प्रकार दुश्चिंता केवल दुश्चिंता नुहे लोभ मोह ईर्षा आदि जिते दुर्गुण सब आसला से दूर करदे शुद्धपूत हो जाते गोटे अंचल प्रभाव प्रयोग था बुद्ध जोटी जाऊ से मार्ग प्रशस्त परिष्कार हो जाऊला एवं से लोक मैंने सहित मिशुवा प्रत्येक लोकंर चरित्र परिवर्तन होता सत्य जमी से समस्त को परिष्कार करने उद्देश्य आसत भितर गोटे नूतन जागरण सृष्टि करने को समस्ते एक लय रे एक ध्यान रे अपेक्षा करुथिले केते बेले आम गाँ को आसिबे केते बेले आम अंचल को आसिबे, आमे तांकर बाणी को सुनिबु जीवन को सुंदर करिबु जीवन को सरस करिबु जीवन को मधुमय करिबु अपेक्षा करुथिले। अनेक शिष्य मानक जन अत्यंत प्रियतम एवं प्रमुख शिष्य थिले आनंद, आनंद को अनेक समय कहते लोक मानकर जो आग्रह को मु देखुची मु केमिति छाड़ी दी चली जीवी निजे सुखर करने केमी चली जीवी, आम शास्त्र कहे निजर सुख पाई वंचना
ଅନ୍ୟର ସୁଖ ପାଇ ନିଜର ସୁଖକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦିଅ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବ। ମା ଯେମିତି ନିଜର ସୁଖକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ତାନ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି, ବାପା ଯେମିତି ନିଜର ସୁଖ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ତାନକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଉଛି, ସେମିତି ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦିଅ, ପରମାତ୍ମା ତୁମ ପ୍ରତି ଖୁସି ହେବେ। ଏଇ ଆନନ୍ଦକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରବଚନ ଦେବାକୁ ଯିବେ, ପ୍ରବଚନ ଅର୍ଥ ବୈଠକ, ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଯାଉଥିଲେ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ଉପରେ, ଅନ୍ୟମାନେ ତଳେ ବସିଯାଉଥିଲେ। ନା ସେତେବେଳେ ଆଜି ସମୟ ଭଳିଆ ମାଇକ୍ ଥିଲା, ନା ଟେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ଯାଉଥିଲା, ଲାଇଟ୍ ଔଜଲ୍ୟରେ ଥିଲା, ଆଲୋକମାଳା ସଜ୍ଜି ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଉଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ ପ୍ରବଚନ ଚାଲୁ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ, ବେଦର ଜ୍ଞାନ, ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଯେମିତି ନିକଟରେ ବସୁଥିଲେ, ପରିପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ, ଗୁରୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କର ଉତ୍ତର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରୁଥିଲା। ଆନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧ ଆଗାମୀକାଲିର ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯିବା କଥା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଗଲା। ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଉଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ, ବୁଦ୍ଧ ବସିଲେ, ଆନନ୍ଦ ପାଖରେ ବସିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସେଇଲେ, ବସି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜର ବିଚାର କଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି, ତାକୁ ଆମେ କିପରି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହାକୁ ଆଣିଛୁ, ଦୁଇଟା କଥା। ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ପିତାମାତା, ଆମେ ଯାହାକୁ ଆଣିଛୁ ଅର୍ଥ ଆମେ ଯାହାର ପିତାମାତା ବା ଆମର ପୁତ୍ରକନ୍ୟା, ଆମେ ଯାହାକୁ ଆଣିଛୁ ସେ ଆମର ପୁତ୍ରକନ୍ୟା, ଆମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ପିତାମାତା। ଏଇ ପ୍ରତି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ଯିଏ ଆମକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମାରିବା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମରଣ ମୁହଁକୁ ପଠାଇବାନି, ଅର୍ଥ ସଂସ୍କାରବାନ ସଂସ୍କାରବତୀ କରି ଛାଡ଼ିବା। ହେଲେ କେତେଦିନ ଏମିତି ଭୋଗବିଳାସ ଭିତରେ ରହିବ, କେତେଦିନ ଏମିତି ଜୀବନକୁ କେବଳ ଖାଇବା ପିଇବା ମଉଜ ମଜଲିସରେ ରହିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରବଚନରେ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଲେ। ନର୍ତ୍ତକୀଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣି ଅପେକ୍ଷା କଲା। ଗୋଟିଏ ଯୁବକଟିଏ ଥିଲା, ସେ ବି ଅପେକ୍ଷା କଲା। ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥଟିଏ, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ, ଏମିତି କେତେକ ବୃଦ୍ଧ ଯୁବକ, ନର୍ତ୍ତକୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କହିବାର ଶୈଳୀ ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କାମକୁ ବରଂ ପରେ କରିବେ ଭାବି ସମସ୍ତେ ଆସି ଏକାଠି ବସିଗଲେ। ଏକାଠି ବସିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି ଉପନିଷଦର ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ, ଉପନିଷଦର ଏକ ମନ୍ତ୍ର ବି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାକୁ ନିଜର ଅନୁବାଦୀୟ ଢଙ୍ଗରେ, ନିଜର ଶୈଳୀରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ବାବୁରେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଦ୍ରାରେ ଶୁଅ ନାହିଁ, ଏବେ ଜାଗ୍ରତ ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଗଲା, ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ ଉଠ। ଭାବିଲେ କହିଲେ କ'ଣ ବସିଛୁ ଆମେ ଉଠିବୁ? କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ହେଇଯାଇଛ, ତୁମେ ଉଠ, ଖାଲି ଉଠିଲେ ହେବନି, ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ ପରେ ଜାଗ୍ରତ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ କହୁଛି ସେ ଶବ୍ଦରେ ସେ କହୁନଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ କହୁଥିଲେ। କହିଲେ ଜାଗ, ତମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହଉ, ନୂଆ କ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ନୂଆ କିଛି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଉଠ। ଶୋଇ ରହିଛ କ'ଣ? ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ହୋଇଛ କ'ଣ? ଭାବୁଛ କାଲି କରିବି? କାଲି କେବେ ଜୀବନରେ ଆସେ ନା। କାଲି ତମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପୁଣି ଆଗାମୀ କାଲିଟା କାଲି ହେଇଯିବ, କାଲି କେବେ ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା କାଲି କରିବାର ଅଛି ଆଜି କର, ଯାହା ଆଜି କରିବାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କର। ଜଣେ ହିନ୍ଦୀ କବି କହିଛନ୍ତି, ଯୋ କଲ୍ କରନା ହେ ତୋ ଆଜ, ଯୋ ଆଜ କରନା ହେ ତୋ ଅବ। କାହିଁକି ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୀବନର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ କ୍ଷୟ ହେଇ ଯାଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବେ ଦିନେ ଏକଥା ଭାବୁନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଆଦିତ୍ୟସ୍ୟ ଗତାଗତେଇ ରହରହ ସଂଖୀୟତେ ଜୀବନମ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅସ୍ତ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଚାଲିଗଲା,
संखीयते जीवनम जीवनटा संक्षिप्त हो जाऊ गोटे दिन सरी जाऊ समाप्त हो जाऊ व्यापारे बहुविध कर्म कुशली कालोपि न ज्ञायते एते व्यापार बढ़ीच जे केतबेले समय जाऊ जानी पारु ना हो खाली काम मोर समय ना किछि करि परिबिने जहाँ को पचारे बर्तमान व्यस्त कुछ समय ना कहले बापा जीवन रे एपरी काम कर कहीं व्यस्त होपारे बहुविध कर्म कुशले कालोपि न ज्ञायते दृष्टवा जन्म जरा विपत्ति मरणम जन्म देखुच जरा देखुच मृत्यु देखुच ताकू देखला पर भी सचेतन होना पित्वा मोहमयी प्रमत्त मदिराम उन्मत्त भूतम जो मोह रूपक मदिरा पी समस्ते उन्मत्त कहीं संसार एत बाया पगड़ा हो रे बुद्ध देवता ढंग से कि अमृत तुल्य से बाणी को शुणी सारापर प्रत्येक लोक प्रत्येक ढंग से विचार कर संसार जिते लोक बस समस्त समस्या पृथक समस्त को सामान सामान दे कमी हे अनेक समय समस्त कहते समान उपदेश सामान उपदेश मैंने सामान उपदेश नुहे भितर मत किसी रहस्य अच्छे आप डाक्तर पाखक पाँच जन लोक गले समस्त ज्वर हो डाक्तर कौन समस्त को सामान औषध दिए ना कहीं ना कह पित्त ज्वर कह बात ज्वर कह विभिन्न दृष्टिकोण से ज्वर ज्वर सिना एक कि ज्वर कारण अनेक जमी कारण को अनुध्यान कर निराकरण बाट देखाई दिए चिकित्सक से प्रत्येक लोक मान भाई कारण अनेक किए पर किए समाज किए अर्थपाय किए पतिपत्नी किए पुत्रकन्या किए बापमा चिंता कार के चिंता आज चिंतामणि केवल चिंता दे समस्त लोक एक जाणी चिंता खाए गंडी लुण खाए हाँ तथा तो चिंता को सबुद जहाँ पचर खाली चिंता ये जिते लोक बस ये निश्चिंत हो कहले किए निश्चिंत हो जा कौन समस्ते बसते बुद्धंकर विचार शुणी चिंतन शुणिला बेले समस्ते समस्त काम को भूली जाइए बैश्यटे दुकान खोल भूल जाइए नर्तक टीए नर्तक नृत्य कर राजा पाखे जीवार सज्जित हो कि बस प्रवचन शुणी युवक टीए भाई कौटी भोग विलास कर कौटी कौन जीव टे बुद्ध कर तार निजर बुद्धि चिंतन कर भोग कर सी ये बसिक शुणु वृद्ध टे भाला ये अवस्था जाइक कौन करी किंतु सीए भी किसी करें कहीं ना समस्ते चिंताग्रस्त बालस्तावत क्रीड़ाशक्त तरुण स्तावत तरुणी रक्त बालक बेले खेल गला युवक अवस्था तरुण तरुणी बयस गला वृद्धस्तावत चिंतामग्न बुढ़ा लोक खाली चिंतार पड़ी पुह इमला बहु इमला झील इमला जुई इमला संसार इमला जनसंपत्ति केमी कौन करी पारे ब्राह्मणी कोपी न लग्न भगवान कथा किए चिंता कर भगवान कथा सबू तो चिंता छुआ बेले भी चिंता बुढ़ा बेले भी चिंता सबू तो चिंतार पड़ते या केमी देवता केमी देव रक्षा कर किंतु बुद्धदेव सुंदर प्रवचन शुणी समस्ते नीरव निश्चल भाव में बस प्रश्न कौन उठ जाग्रत गो उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य तुम पाइबार किसी अच्छी तुम्हें ही पाइब मनुष्य जन्म केवल पाईपर निर्वाण अन्य जन्म संभवपर नुहे मनुष्य ही निर्वाण पाइब बरान निबोधत बरणीय लोक मान निकट को जाओ सही मान पाइब कौट पाइब कहीं खुरस्य धारा ये पथ हूँ साधनार पथ खुरधार भाया निशित दूरत्व या पुणा धारुआ पुणी दुर्गम दुर्गम पथस्थत कवय बदंती दुर्गम पथ बोली कहुई बुद्ध कह जाग जाग्रत कह कहीं नर्तक टे बुझला गुरुदेव कौन कहले बुद्धदेव कहले जाग कहले मु ये शरीर को सज्जित करी रंग बोली हे अलंकार पिंधि अर्ध उलग्न वेश पिंधि राजा को संतुष्ट करने को जाऊँ कौन पाई पैसा पाई ये शरीर को यही बिक्री करी मु ना जी आउ जाग्रत एवं आउ से कम करें आउ से कम छाड़देवी जाग्रत ही कौन करी निष्पत्ति कला आज ठार् से कम करी ना ये शरीर को जो शरीर प्रभु दे काम लगेबी बुद्धदेव अनुगामी हेबी तांक श्रमण मानक किसी ज्ञान प्राप्त हो निजर घरे रही मु किसी साधन भजन करी निजर जीवन को सार्थक करी।
से राजबाटी के जीव कौन घर को चलला जुवकटीए बसीला जुवकटी भावुला जीवन सारे केवल भोग करवा उचित है ये बयस भोग कर भोग कर पिला बेले तो बापमा जहाँ कले कथा बुतलु आउ बह कर सारापर तो स्वामी स्त्री जीवन जापन करता मनु मनु जीवन जीव से छुआ पिला हम तथा बुझे यही समय भोग कर कौ समय भोग कर भाविक आसला कि बुद्ध बुझेले बाबा जी भल कम करुवक बेले कर कारण पिला बेले बापमा अधीन बुढ़ा बुढ़ी बेले अन्न मान अधीन रिला अधीन रही पार्च यही समय बड़ बयस ठीक अच्छे पर उपकार कर जाग्रत है जाग जो शब्दा शुणिले जुवक कहला ना भूल बाटर जाऊ जीवन को एक भूल रास्तार मनाऊ आज ये प्रेरणार बाणी मो जीवन भितर गोटे नुआ चिंतन सृष्टि कला नुआ उद्दीपना आनला मु आउ भोग विलास नेबी ना बर्तमान शरीर समर्थ अच्छी घर निया लगला जी कू खोले आप नंबर बोका कहे घरे काले निया लगे बोली पूर्व कू खोली थाए बुद्धिमान कहते वृद्ध बयस किस धर्म करेंगे आप जितेबले सब शरीर आपणकर कमर लगुच्छी से ही समय काम करने दरकार जुवकटी बुझीगला कह बुद्धदेव कहले जाग्रत हु अर्थ जिते भूल करते बर्तमान जाग्रत ही निजर जीवन काम लगे काली ठार चिंतन कला समाज में जो मैंने दलित अच्छा दरिद्र अच्छा अवहेलित लोक अच्छा से मानकर सेवा कर समर्थ लोक मान दान आणवि असमर्थ लोक मान देवी आउ से भूल करी ना जड़े वैश्य जड़े व्यवसायी बसते कहे सका सन्ध्या पर्यटन राति पर्यंत केवल गोटे काम सका गाध पाधक आ बस निकिति देख ओजन कर ने धर हिसाब कर राति गला फेर नुआ नुआ जिनस आण फेर तक कल बिक ये जीवन गला आण रख बिक पैसा आण जी जाती चलु अब के नही कि तब के नही कौन मिलला बुद्धदेव कहले जाग्रत हुआ जहा हला हला अरे अंत पक्षे व्यवसाय किसी समय दे ये शरीर पर किसी समय दियो शरीर को दे कथा टे बुझ ना एत आर्तन से व्यस्त हो ना कल ठारी गोटे नियम करदेवि दोकान सका सतटू संध्या सतटा पर्यंत खोले मझीरे दुई घंटा विश्राम भोजन विश्राम बंद हुए सतटा पर आस भी नहीं सतटा पर जाए भजन कीर्तन करी जहाँ बुद्धदेव चिंतन अच्छी जहाँ आदर्श जो दर्शन अच्छी से दर्शन को ग्रहण करी कि जोटी जोटी से बसवे प्रवचन टी शुणी ये मनुष्य जीवन को सार्थक करी निर्वाण मुक्ति पथर टे जी जाग्रत है जो बुढ़ा बसी बुढ़ा लोकटे भावुच कह गुरुदेव कहले जाग्रत हुआ कह कौन कहले सत मत कहते कि बुढ़ा हेले खाली करुच कौन खाली नाति नातुणी पुओ झी कथा बुझिले फेर नाति नातुन कथा बुझुच्ची कुआड़े छाड़ी जी बर्तमान जो ममता भितर पड़ रही कुआड़े छाड़ी जीवार उपाय ना कि बुद्ध कहले जाग्रत हुआ आन पर तुम्हें जीव तुम लक्ष्य पथर आम सत्ता रही तुम्हें अच्छ बोली कहीं बुझे ना आरे बाबू ये संसार जीवा पूर्व टी संसार जे निर्माण कर संसार जे स्रष्टा संसार जे दान करता टे बुझ बुद्ध आखिरु वृद्ध लोक बुद्ध बाणी शुणी आखिरु लुह गड़ू कौन कली केवल माया पछरे संसार माया भितर निजर जीवन को माया कली मिलला कौन पान पाखु भत्सना शुणुची निजर प्रिय लोक मैंने अप्रिय विभिन्न प्रकार कथा कहते गंडे खाइबा दवापी कौन मिलू चिंतन कले उठी पड़ी कहले कह महाशय आपण से श्रमण मान भितर मु तो जीवा भाई बयस मोर आते कि उपदेश दिंतु अंतपक्षे मृत्यु को अपेक्षा कर गोटे वृद्ध अंतपक्षे जीवन शेष समय रे किछि हेले भल काम करि परिबो किछि हेले भल काम करिबो करिले मु प्रार्थना करि परिबे प्रभु अंततपक्षे मते आपण पुनर्जन्म द्वारा अन्य किछि द्वारा मोर जीवन को सुधार करि दियंतु मु किछि भल काम करिबार शक्ति सामर्थ्य पाए बुद्धदेव हसिले
दीप लिभिला बेले जोर जलिला परी मृत्यु को अपेक्षा करिथिबा गोटे वृद्ध निज जीवन सत्य को उपलब्धि कले याठर बड़ कथा कौन अच्छी कहे आनंद प्रियतम शिष्य आनंद को कहले कह आनंद देख ल मु गोटे शब्द कहली जाग्रत हुआ उठ जाग्रत हुआ ताकू एमाने किपरि पूछिले जड़े नर्तकी सी जहा बुझिला जड़े युवक ताहा बुझिला नहीं जड़े वृद्ध जहा बुझिला जड़े व्यवसायी ता बुझिला नहीं समस्ते निज निज ढंग रे बुझिले किंतु समस्ते भल बुझिले समस्ते प्रकृत कथा बुझिले समस्ते निज जीवन को सुधार करने बुझले ताहा ही मोर कहिबार सफलता मिलला। बंधु अनेक उपदेश शुणुचे गोटे गोटे उपदेश को काम लगाओ गोटे उपदेश काम लगाओ देख समय क्रमे गोटे गुण तुम पाखे आरंभ कर जाग्रत हुआ जीवन को भल काम लगवाक यू आरंभ कर देख निश्चित दिन सफलता मिल यार सहित आज अध्याय को समाप्त करुच्छे ए अध्याय को समाप्त करने पूर्व आज महत्वाणी संपर्क में चिंतन करवा ये जीवन एक अमूल्य जीवन मनुष्य जीवन अमूल्य जीवन ये अमूल्य जीवन को ज्ञानी गुणी गुरुजन मानकर उपदेश रे पूर्ण कर जाग्रत हुआ आलस्य प्रमाद को दूर कर उत्तम कार्य करिवारे अग्रसर हुआ देखिबो मनुष्य जीवन सफल हो जीव ये विचार सहित आज अध्याय को समाप्त करुच्छे समस्त को नमस्ते। प्रार्थना आमो आनंदर उत्सव।